अंतकरण से प्रेरित होते हैं तो सुनानी सुनी सुनाई बात ना माना कर, आंख से देखो आंख से देखा तो कुछ निकला। लिख दिया तो लिख दिया, और 16 अबवाब, 16 चैप्टर, 300 से ज्यादा पेज वीडियो टीवी का शरय इस्तेमाल। नब्बे % दुनिया ने मान लिया, 100% कहां मानते हैं? कोई टीवी वीडियो का हराम हक है उनका, तहकीक अगर यही है तो करो भाई, इतना हराम है। हुजूर घर में दावत, तेरे घर में टीवी है? जी हाँ, पहले उसको तोड़ फिर मैं दावत कबूल करूंगा। टीवी तोड़वाते थे, अब चैनल चला रहे। शेखुल इस्लाम तुम्हारे कलम पर मैं कुर्बान, इतनी बड़ी जमात फतवा समझने में 25 बरस लग गया। हम वेलकम करते हैं उस जमात का, बस अफसोस यही है कि काश 25 साल पहले माना होता तो बात कुछ और होती। पर देर आए दुरुस्त आए। देखा आपने शेखुल इस्लाम टीवी पर फैसला कर दे कोई हिला नहीं पाता, वीडियो पे कर दे तो कोई हिला नहीं पाता, मसले हाजिर और नाजिर पर किताब लिख दे तो कोई हिला नहीं पाता, इस्लामिक लॉ पे किताब लिख दे कि दिस इज नॉट मुस्लिम पर्सनल लॉ, डोंट से मुस्लिम पर्सनल लॉ, इट्स नॉट पर्सनल, दिस इज इस्लामिक लॉ, डिवाइन लॉ, ये कानून इलाही है, मुसलमानों का जाती कानून नहीं है। कोई हिला नहीं सका, बड़ा घमंड था, इलाह इबादत और दीन का जो मतलब जमात इस्लामी के फाउंडर ने समझा है वो फाइनल है। शेखुल इस्लाम ने जब कलम उठाया इस्लाम का नजरिए उलूहिया तसव्वुर इलाह, इस्लाम का तसव्वुर इलाह, और मौदूदी साहब इस्लाम का नजरिए इबादत, और मौदूदी साहब सैकड़ों सफात पर लिख दिया, जैसे अपने दौर के फितने को मिटाने के लिए अहमद रजा का कलम चल रहा था, ऐसे ही अपने जमाने के फितने को मिटाने के लिए शेख मदनी का कलम चल रहा है। फैसला बदलने की जरूरत नहीं, इस्लाम का तसव्वुर दीन और मौदूदी साहब किताब लिखे हुए गालिबन 40-50 बरस हो गया, किसी में हिम्मत नहीं कि उसका जवाब लिखे। तो जिसका जवाब लाजवाब हो, जिसका इंतखाब लाजवाब हो, जिसकी तहरीर लाजवाब हो, जिसका कलम लाजवाब हो, जिसकी जबान लाजवाब हो, जिसका जहन लाजवाब हो, जिसकी फिक्र लाजवाब हो, वो जब अपना जानशीन चुनेगा तो वो भी लाजवाब होगा। इसीलिए मैं कहता हूं दुआ करो कि हुजूर शेखुल इस्लाम की हयात और तवील हो, उनका साया हमारे सरों पर कायम और दायम रहे, और इस तरीके से वो हमें बताते रहे, क्योंकि लोगों की बदलती हुई भाषा हम जानते, बदलते हुए वादे हमें मालूम, देना तकलीफ है, बोलते अच्छे दिन आएंगे, देना तकलीफ है, मगर और इनको तो
इनको तो ये है, मेरी शक्ल में भी लोग आके बोलने लगते हैं। लेकिन जब मैं शेखुल इस्लाम को देखता हूं, खाने में जो बोले तो लाजवाब, महफिल मजलिस में जो बोले तो लाजवाब, तो जिसे चुन लिया। हमारा चुना हुआ क्या क्या कर रहा है, देश में रहना छोड़ दिया। और वो प्राइवेट फैमिली, लिमिटेड इनटू फैमिली, न देखें दुनिया न देखें संसार, केवल मेरा परिवार। लेकिन इनको देखो, परिवार छोड़कर आपके पास आए, यहां मदनी मस्कन बना, सुन्नियों का मरकज बना। याद आती है बाप दादा की, चले जाते हैं किसों से मुकद्दसा, मगर 10-15 दिन में लौट आते हैं गुजरात। जब इतना प्यार है तो तेरी किस्मत ला जाओ, तेरा मुकद्दर ला जाओ। ज्यादा तकलीफ नहीं करूंगा मैं, अपना सारा स्टेमिना पेशा के बाद जो जलसा होने वाला है आज ही फाइनल मैच वहीं करूंगा। वाह करो दावा।